तो मिंडा वाली अपनी जो फॉग लाइट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। डोर वाले व्हील कवर से उसका जो अपडेट है वो किया गया है। डोर वाइजर है उसका फिटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो सेंटर डोर लॉकिंग इंस्टॉल करी गई है अपनी आरडी ब्रांड की, जो सेंटर डोर लॉकिंग का यहाँ पे यूज किया गया है, जिसमें आपको 3 साल की जो वारंटी है वो मिल जाती है। फुल बकेट जो अपने सीट कवर से उसका फिटमेंट किया गया है। आर्मरेस्ट जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि बेसिकली कस्टमाइज आर्मरेस्ट किया है। 9 इंच की स्क्रीन है, प्रॉपर आपको टच का रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। काम बहुत बढ़िया था एंड नीलेश भैया भी काफी सपोर्टिव थे। इसमें से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 out of 10 कंप्लीट नंबर। वेलकम बैक दोस्तों, नीलेश का एक सीरीज पे है, दो टाटा की नेक्सॉन। ये है अपना नेक्सॉन का XMS वाला मॉडल, जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दूसरी नेक्सॉन की, जो कि है अपना बेस मॉडल XE। तो यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी हुई है, चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या एक्सेसरीज जो है इस वाले कार के अंदर इंस्टॉल करी जा रही है। बेस मॉडल XE है, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट वाली चीजें हैं इस कार के अंदर वो नहीं मिलती है। गाड़ी के अंदर काम जो स्टार्ट हो चुका है, सबसे पहले क्या चीज लग रही है सामने से बात कर लेते हैं। तो अपने यहाँ पे आप देखोगे तो फॉग लैंप जो है वो नहीं आते इस वाली कार के अंदर, तो फॉग लाइट का जो इंस्टॉलेशन है वो रहने वाला है। और इसके अलावा ये वाले फॉग लैंप जो है वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं अपने मिंडा के रहने वाले हैं। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो, प्रॉपर रिले वगैरह के साथ जो इसकी फिटमेंट है वो करी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों सेंटर डोर लॉकिंग है वो लगनी है, अपने हॉर्न का जो अपडेट है वो किया जाना है। सिंगल वाला हॉर्न आता है इस वाली कार के अंदर, डुअल टोन वाला अपना जो हॉर्न है वो लगाने वाले हैं। इसके अलावा अंदर चलते हैं, आप देखें इंटीरियर में यहाँ पे अपनी सीटें निकली हुई हैं, सीट का वो जो फिटमेंट है वो रहने वाला है। म्यूजिक सिस्टम की मैं बात कर रहा था, तो म्यूजिक सिस्टम आप यहाँ पर देख लीजिए, तो अपना स्कॉर्पियो ब्रांड वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पे अपडेट करने वाले हैं। और पीछे की तरफ आपको सारी वायरिंग वगैरह के जो कनेक्शन है वो देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप सारी वायरिंग जो है वो देख लीजिए, तो सारी वायरिंग जो है इस बॉक्स के अंदर आपको मिल जाती है। नेविगेशन वगैरह की सारी कुछ है यहाँ पे ये लगी हुई है, और फिटमेंट सारा कुछ अपना कपलर टू कपलर ही रहने वाला है। स्पीकर्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अभी आप चेक कर सकते हो, कोई स्पीकर आपको डोर में देखने को नहीं मिलेगा, ना ही रियर डोर के अंदर ना ही फ्रंट डोर के अंदर। स्पीकर कौन से लग रहे हैं वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपना जो रियर डोर है उसके अंदर JBL का स्टेज 1 वाला जो अपना कोएक्सियल स्पीकर है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। और फ्रंट डोर की बात करते हैं, तो फ्रंट डोर के अंदर अपना जो है वो आपको कॉम्पोनेंट स्पीकर जो है वो देखने को मिलने वाले हैं, तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अपना रखा हुआ इसका बॉक्स, अभी इसकी अनबॉक्सिंग जो है वो नहीं करी है। तो ये स्टेज 3 वाला रहने वाला है, इसमें अपना जो है स्पीकर और ट्विटर और अपना जो है यहाँ पे क्रॉसओवर 3 यूनिट देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर स्टीयरिंग रैप का जो काम है वो किया जा रहा है। इसके अलावा स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं आता है, तो स्टीयरिंग कंट्रोल जो है वो भी लगने वाला है, तो वो भी आपको मैं दिखा दूंगा। इसके अलावा रियर से बात कर लेते हैं कि रियर में क्या क्या अपडेट जो है वो किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, अपने जो रियर के रिफ्लेक्टर्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल किए जा चुके हैं। इस वाले मॉडल के अंदर आपको डमी रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, उसके निकाल करके यहाँ पे अपने जो मैट्रिक्स वाले रिफ्लेक्टर हैं वो इंस्टॉल कर चुके हैं। और अपनी जो रियर की आपको यहाँ पे जो रियर ब्रेक लाइट है वो आपको नहीं मिलती है, जिसको आप रियर फॉग लैंप भी कह सकते हो, वो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैंक आता है। यहाँ पे अपनी जो रियर की फॉग लैंप है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, रियर की जिसे ब्रेक लाइट भी कहा जाता है। इसका जो फिटमेंट है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, टाटा जेन्युइन जो है ये रहने वाली है। एक बार इसका जो बॉक्स है वो भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ, तो यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। तो रियर की फॉगलैम असेंबली यहाँ पे पढ़ लीजिए, 490 रुपीज जो इसकी MRP है वो रहती है। अपना IRVM जो है वो भी चेंज किया जाना है, सीट कवर लगने वाले हैं। स्पीकर्स जो है उसका फिटमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और आप यहाँ पे जो इसका फ्रंट डोर है वो चेक कर सकते हो। अपने JBL वाले जो स्पीकर्स हैं वो इंस्टॉल करे गए हैं। स्टेज 3 के फ्रंट डोर के अंदर जो कॉम्पोनेंट स्पीकर्स हैं वो लगाए गए हैं, प्रॉपर रिंग वगैरह के साथ जो इसका काम है कंप्लीट हो चुका है। ट्विटर भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, तो ट्विटर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अभी प्लेसमेंट करने वाले हैं, दरवाजे पैक होंगे फिर आपको दिखाते हैं। इसके अलावा सिस्टम वगैरह का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, और अपने जो यहाँ पे आप देखो तो सीट कवर वगैरह लग चुके हैं। तो अब गाड़ी जो है वो पैकिंग के लिए शॉप पर आ चुकी है, एक बार पैकिंग का काम कंप्लीट होता है फिर आपको दिखाते हैं सारी एक्सेसरीज इस वाली गाड़ी की, जो जो इस कार के अंदर इंस्टॉल करी गई है। बाकी रियर डोर में आप देखोगे तो फ्रंट डोर की तरह ही आपको JBL के जो स्पीकर्स हैं देखने को मिलने वाले हैं, बट यहाँ पे अपने जो कोएक्सियल स्पीकर जैसे मैं आपको दिखाया था उसका जो फिटमेंट है कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों सारा काम इस नेक्सॉन का कंप्लीट हो चुका है, और अब बताते हैं आपको क्या क्या एक्सेसरीज जो है इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल करी गई हैं। तो सामने से अगर बात करें तो सबसे पहला जो अपडेट है वो किया गया है इसकी फॉग लैंप्स के अंदर। इस वाले मॉडल के अंदर आपको फॉग लैंप्स नहीं मिलती है, तो मिंडा वाली अपनी जो फॉग लाइट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। और इसके अंदर प्रॉपर जो है मिंडा की ही जो रिले के साथ इसका फिटमेंट यहाँ पे किया गया है। इसमें आप चाहो तो LED का सेटअप भी इंस्टॉल करवा सकते हो। बाकी आप इसका रोड पे जो थ्रो है वो भी चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। ओनली फॉग लैंप का आउटपुट आपको मैं यहाँ पे चेक करवा रहा हूं। फॉग लैंप को बंद करते हैं तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो किस तरीके का आपको जो रिस्पॉन्स है उसका देखने को मिल रहा है। अगर आपको इससे ज्यादा रिस्पॉन्स चाहिए तो आप LEDs जो है वो भी कंसीडर कर सकते हैं। बारी है अब इसके साइड प्रोफाइल को दिखाने की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो साइड का लुक कम्प्लीटली जो है वो चेंज किया जा चुका है। अब क्या क्या चीजें लगाई गई हैं उसकी अगर हम बात कर लेते हैं, तो बेस मॉडल है इसके अंदर आपको व्हील कवर्स नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पे अपने जो डुअल टोन वाले व्हील कवर्स है उसका जो अपडेट है वो किया गया है। आप चेक कर सकते हो, ब्लैक और अपना सिल्वर का जो इंसर्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आप इसको देख लीजिए। अगर इसका आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आप इसका रिम जो है वो भी ब्लैक करवा सकते हो, इससे ज्यादा आउटपुट जो है अच्छा आपको मिल जाता है। इसके अलावा ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे अपना जो रूफ रेल्स है वो इंस्टॉल करी जा चुकी है, प्रॉपर अपना यहाँ पे सिलिकॉन का यूज करके जो इसकी रूफ की पेस्टिंग है वो यहाँ पे करी गई है। ABS क्वालिटी में अपने रहने वाली है, और यहाँ पे आप इसकी जो फिटमेंट है वो भी चेक कर सकते हो किस तरीके की आपको देखने को मिल जाती है। ये सेम
अपनी जो रूफ रेल है वो आपको कंपनी XML में लगा कर देती है। उसी तरीके की जो रूफ रेल का फिटमेंट है वो यहाँ पे किया गया है। टेपिंग जो है यहाँ पे लगा दी गई है फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। एक दिन बाद आप इसको निकालोगे, फिर इसको रूफ रेल को आप प्रॉपर हिला भी सकते हो तो अपनी उखड़ने वाली नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो अपने डोर वाइजर है उसका फिटमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, प्रॉपर नेक्सॉन की है। और नेक्सॉन के आपको यहाँ पे जो मार्किंग है वो भी देखने को मिल जाती है। एज टू एज फिटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। क्रोम का जो इंसर्ट है वो आपको इसके ऊपर देखने को मिल जाता है। बाकी इसके अलावा आप आते हैं अपना रियर प्रोफाइल में और आपको दिखाते हैं कि रियर में क्या क्या चीज़ें हैं वो इंस्टॉल करी गई हैं। सबसे ऊपर आप इसका जो रेडियो एंटीना है वो चेक कर सकते हो, जो इसका फिटमेंट है वो किया गया है। शार्क फिन का भी आपके पास ऑप्शन है, वो आप वो भी चाहो तो लगवा सकते हो। इसके अलावा नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपने जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो भी इंस्टॉल किए गए हैं। और ये जेन्युइन वाली अपनी जो रियर की ब्रेक लाइट है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो ब्रेक के साथ जो है ये अपना प्रॉपर वर्क करने वाला है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो और पूरा रियर का जो व्यू है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रियर व्यू जो कैमरा है उसकी प्लेसमेंट यहाँ पे करी गई है। इंटीरियर में चलेंगे फिर आपको दिखाएंगे कैमरे का रिस्पॉन्स जो है वो किस तरीके का रहने वाला है। इंटीरियर में जाने से पहले आपको इसकी जो की है वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इस वाले मॉडल के अंदर आपको सेंटर डोर लॉकिंग नहीं मिलती है। तो सेंटर डोर लॉकिंग इंस्टॉल करी गई है अपनी RD ब्रांड की, जो सेंटर डोर लॉकिंग का यहाँ पे यूज किया गया है, जिसमें आपको 3 साल की जो वारंटी है वो मिल जाती है। और फिलिप फंक्शन वाली जो की है वो भी यहाँ पे अपडेट करी गई है। आप चेक कर सकते हो किस तरीके का अपना फिलिप फंक्शन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। इसको आप ये चेक कर सकते हो। पीछे की तरफ आपको टाटा का जो लोगो है वो देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 3 बटन मिलने वाले हैं, एक लॉक का है, एक अनलॉक का, और सेंटर वाले बटन से आप जो है वो म्यूट लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपना की का कन्वर्जन है वो किया गया है। डोर पैनल पैक हो चुके हैं, स्पीकर मैं आपको दिखा चुका हूँ। फ्रंट डोर के अंदर अपने JBL के Stage 3 वाले कॉम्पोनेंट स्पीकर और रियर डोर के अंदर जो अपने कोएक्सियल स्पीकर्स हैं उनका फिटमेंट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इंटीरियर में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इसकी जो सीट कवर्स हैं वो देख सकते हैं। तो डुअल टोन में अपना ब्लैक और अपना यहाँ पे आप ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन देख सकते हो। फुल बकेट जो अपने सीट कवर्स है उसका फिटमेंट किया गया है। साइडों में बर्फी डिजाइन है। सेंटर में आप यहाँ पे जो इसका डिजाइन है वो चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रॉपर फिटमेंट आपको इसकी देखने को मिल जाएगी। रियर सीट की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप रियर सीट का जो फिटमेंट है वो चेक कर लीजिए किस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अपने पास कई सारे पैटर्न है, जो सा आपको अच्छा लगता है अपनी कार के अंदर वो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। बेसिकली ये वाला जो अपना सीट कवर है वो इंटीरियर को काफी हद तक मैच कर रहा है। इसी के कॉम्बिनेशन के साथ अपना जो स्टीयरिंग रैप है वो भी किया गया है, ये भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। डुअल टोन की फिनिश के साथ ये भी रहने वाला है, जहाँ पर ब्लैक और अपना ऑफ व्हाइट का कॉम्बिनेशन आपको प्रॉपर मिलेगा। मून डिजाइन आपको यहाँ पे जो इसका स्टीयरिंग रैप है वो देखने को मिलने वाला है, और स्टिचिंग भी बिल्कुल प्रॉपर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। ग्रिपिंग में भी काफी अच्छा है और दिखने में भी बहुत ही जबरदस्त जो आपको फील है वो आने वाला है। इसी के कॉम्बिनेशन के साथ आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे अपना एक आर्मरेस्ट जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि बेसिकली कस्टमाइज आर्मरेस्ट है। इसके ऊपर बर्फी डिजाइन आपको मिल जाएगा और कुशनिंग जो है वो प्रोवाइड करी गई है। नीचे की तरफ आपको कब्जा मिल जाता है जिसकी फिटमेंट इसके साथ करी गई है, तो ये अपना प्रॉपर रहने वाला है। और कंसोल इसका पहले से ही हाइट पे आता है, तो उसके ऊपर ये वाला आर्मरेस्ट जो है ना बिल्कुल सुटेबली जो है वो फिट आ जाता है। इसके अलावा अब आपको दिखाते हैं इसकी अदर एक्सेसरीज और बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम की। तो लगाते हैं इस कार की और आपको बताते हैं म्यूजिक सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो अपना टच स्क्रीन जो म्यूजिक सिस्टम है वो इस वाली कार के अंदर इंस्टॉल किया गया है, और आप यहाँ पर चेक कर सकते हो किस तरीके की फिटमेंट आपको देखने को मिल जा रही है। प्रॉपर ग्लॉसी फ्रेम के साथ जो इसका फिटमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो ये किया गया है, 9 इंच की स्क्रीन है। प्रॉपर आपको टच का रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन जो है इसके अंदर आपको मिल जाती है। स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप खुद से भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अपना है 2GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ ये वाला सिस्टम लगाया गया है, जिसमें आपको जो है रियर व्यू कैमरे का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। कैमरे का आउटपुट किस तरीके का है नाइट टाइम में, क्योंकि इस वक्त मैं वीडियो नाइट टाइम में शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए नाइट टाइम में वीडियो शूट कर रहे हैं तो रियर की जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल क्लियर आपको देखने को मिल जाएगी। आप जो है यहाँ पे गाड़ी बहुत ही आसानी से जो है वो पार्क कर पाओगे और क्लियर विजन जो है वो आपको मिल जाएगा कैमरे के साथ में। तो ये अपना अपडेट जो है वो किया गया है। इसके अलावा दोस्तों इनसाइड रियर व्यू मिरर का जो अपडेट है वो भी रहने वाला है। यहाँ पे डे और नाइट वाला जो अपना IRVM है वो लगाया जा चुका है, इसको भी जो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके का ये रहने वाला है। इसको आप यहाँ पर देख लीजिए, तो ये भी आप लगा सकते हैं साइज में उस वाले अपने जो मिरर से ये बड़ा होता है, और इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, रिफ्लेक्शन से काफी हद तक प्रोटेक्ट करेगा ये। इसके अलावा दोस्तों फ्लोर पे आप देखोगे तो यहाँ पे 2 अपडेट है। एक तो फ्लोरिंग है जो कि डाई वाली फ्लोरिंग इसके फ्लोर के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी, क्रोकोडाइल पैटर्न के साथ जो है कंप्लीट फ्लोर के ऊपर ये करी गई है। और दूसरा यहाँ पे आपको जो फुटवेल लैंप है वो देखने को मिल जाएगा, और ये सिंगल कलर में रहने वाला है, यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अपनी स्कफ प्लेट जो है वो लगाई गई है, नेक्सॉन की ब्रांडिंग के साथ रहने वाली है। व्हाइट और ब्लू का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आपको फुल
ब्लू कलर की लाइट चाहिए तो वो भी अपने पास अवेलेबल है, आप वो भी लगवा सकते हैं। चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है, काफी कुछ आपको मिल जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर रियर वाला जो पोर्शन है वो चेक कर रहे हैं, अपने पास ऑप्शन ये भी है कि अगर आप चाहो तो रियर की पावर विंडोज भी लगवा सकते हो। रियर सीट का फिटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहते हो तो रियर सीट की जो बकेट फिटेड है वो भी आपको मिल जाती है, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। रियर की भी जो बकेट फिटमेंट सीट कवर्स का वो भी हम लोग कर देते हैं। बात करें अगर रियर प्रोफाइल की दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको कुछ अपडेट देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो तो स्कैनिंग मोड जो है आपको रिफ्लेक्टर के अंदर देखने को मिल जाता है। मैट्रिक्स वाले रनिंग रिफ्लेक्टर जो है वो इंस्टॉल करे गए हैं। एक अपडेट इसके हॉर्न के अंदर भी किया गया है दोस्तों। इस वाले मॉडल के अंदर आपको एक सिंगल टोन का हॉर्न मिलता है, उसको अपडेट करके डुअल टोन वाला अपना जो हॉर्न है वो लगाया गया है। आउटपुट आप सुनिएगा तो क्रेटा स्टाइल अपना जो डुअल टोन वाला हॉर्न है इस वाली कार के अंदर अपडेट किया जा चुका है। तो दोस्तों सारी एक्सेसरीज मैं आपको तब तक दिखा चुका हूँ, एक बार मिलते हैं कार ओनर से और जानते हैं सर का कैसा कुछ रिस्पांस रहा है। तो सर अपना नाम बताइए। हरमीत सिंह। हरमीत सिंह कहाँ से आ रहे हैं सर आप? मैं सोना रोड गुड़गांव से आ रहा हूँ। तो यहाँ के बारे में, नीलेश का एक्सेसरीज के बारे में आपको कैसे पता चला? मेरे को यूट्यूब से पता लगा था बेसिकली कि नीलेश भैया काफ़ी नेक्सॉन मॉडिफाई कर चुके हैं, तो आई थॉट कि लेट्स उनको ट्राई करना चाहिए एक बार। तो आपने इनको ट्राई किया, बेसिकली जितनी एक्सेसरीज आपको अपनी कार के लिए चाहिए थी यहाँ पे सारी कुछ मिल गई है? सब मिल गई यहाँ पे। तो अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि नेक्सॉन के लिए अगर कहा जाए नीलेश का एक्सेसरीज को वन स्टॉप शॉप है? यस डेफिनेटली। तो ये वन स्टॉप करेक्ट होगा? यस। तो अब आपने देखा हम लोगों को यूट्यूब पे आज तक, आज आपने खुद फील कर लिया है, कैसा लगा सारा काम? नहीं, काम बहुत बढ़िया था एंड नीलेश भैया भी काफ़ी सपोर्टिव थे एंड हमको बेस्ट डील मिली, तो आई एम हैप्पी। तो जैसा हम लोग आज तक वीडियो में दिखाते आए हैं, क्या आपने वो सारी चीज़ें यहाँ पे नोटिस करी, सारा वैसा ही रहता है? सब जेन्युइन है, कोई फेक नहीं है सब जेन्युइन काम होता है यहाँ पे। तो एक नंबर लिया जाए आपसे 10 में से, कितने नंबर देना चाहोगे? 10 out of 10 कंप्लीट नंबर, मतलब कंप्लीट सेटिस्फेक्शन के साथ जो काम है वो हो रहा है। अंकल जी आप भी खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं, बहुत बढ़िया। तो बढ़िया तो इनका स्वभाव बहुत बढ़िया है, स्वभाव बहुत बढ़िया है। तो मेरे हिसाब से स्वभाव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बिल्कुल बिल्कुल ये, बाकी आपने जैसे बताया कि आप अभी गाड़ी लेकर के तुरंत यहीं पर आ रहे हैं सीधा, तो हमने शोरूम से निकाली है, तो पहले कहा हमने नीलेश भैया की दुकान पे ले जाएं, अब इसके बाद गुरुद्वारे लेके जाएंगे हम लोग। चलिए सर आपने नई नई बिल्कुल कार लेकर के आया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, नई कार के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप वहाँ से यहाँ तक आए उसके लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।